और ये है फुल मेजरमेंट स्क्रीन पे आप लोग देख सकती हो तो मैं पहले कटिंग करूंगी बेक पैट तो बैक पैट का रेडी लेंथ फोर्टीन तो इंच और एक इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए तो हो गया है टोटल फिफ्टीन इंच और शोल्डर लिया है मैंने सेवन इंच क्योंकि ये हाई नेक पे है इसलिए शोल्डर जितना है इतना ही लेना चाहिए और आर भी मैंने सेवन इंच ही लिया है और चेस्ट थर्टी सिक्स इंच थर्टी सिक्स को फोर से डिवाइड करना चाहते हैं नाइन इंच और उसके बाद एक्स्ट्रा ले लूंगी टू इंच और मैं आप लोगों को जैसे पेपर में कटिंग करना दिखा रही हूँ आप लोग चाहे तो मेन फेब्रिक में भी डायरेक्ट कटिंग कर सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है और ये हाई नेक पे है इसलिए तालपाट कटिंग करना चाहिए तो मैंने हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है उसी मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है उसके बाद मैं जो आर्म होल का गुलाई का शेप दे रही हूँ तो मैं वन पॉइंट फाइव इंच लिया है बैक साइड की आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए तो गुलाई का शेप देना हो गया है अभी नेक का चौड़ाई ले रही हूँ टू पॉइंट फाइव इंच नेक वे टू पॉइंट फाइव इंच लिया है और नेक डीप लिया है मैंने थ्री इंच तो इस तरह से मैंने गुलाई का शेप दे दिया है आप लोग चाहे तो थ्री फोर इंच ले सकती है और ये मैंने आर्म होल को इस तरफ शोल्डर को आर्म होल की तरफ मैंने डाउन भी कर दिया है हाफ इंच और जितना चेस्ट है चेस्ट को इस तरह से हाफ करते हुए टेकन के लिए मार्किंग कर लेना है और टेकन का लंबाई लिया है मैंने फोर इंच तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है बोरेरी हो गए है बाद में कटिंग कर लूंगी तो अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूंगी तो फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो बैक पार्ट से मैंने एक इंच ज़्यादा लिया है क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए एक इंच एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है और शोल्डर लिया है मैंने सेवन इंच आर्म होल भी मैंने सेवन इंच लिया है और चेस्ट थर्टी सिक्स इंच थर्टी सिक्स को फोर से डिवाइड करने से होता है नाइन इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी टू इंच जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में लिया था वैसे मैंने फ्रंट पार्ट में भी ले लिया है शोल्डर आर्म होल और चेस्ट और हाफ इंच अंदर रखते हुए फ्रंट साइड में भी ताल पाट मैंने कटिंग कर का लूँगी हाफ इंच अंदर रखते हुए मैंने एक मार्किंग कर दिया उसके बाद उसी मार्किंग से मैंने एक इंच लिया है अभी गुलाई का शेप दे दिया है और नेक विथ ले लूँगी टू पॉइंट फाइव इंच नेक का चौड़ाई मैंने टू पॉइंट फाइव इंच लिया है और नेक का डीप लिया है मैंने सिक्स पॉइंट फाइव इंच अभी उसको इस तरह से एक बॉक्स गुलाई का शेप दे दूँगी बॉक्स की तरह बना लिया था उसके बाद मैंने गुलाई का शेप दे दिया है और शोल्डर से नीचे तक मैं ट्वेल्व इंच में एक मार्किंग कर दिया है और जो नीचे का पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट तो एक मार्किंग कर दिया है और कटोरी के लिए मैंने सिक्स इंच लिया है और जो मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था उसी उसी की इस तरह से लेते हुए टू पॉइंट फाइव में एक मार्किंग कर दिया है और जितना मैंने नेक लिया था नेक की एक इंच ऊपर से मैंने और एक मार्किंग कर दिया है अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दिया है और कटोरी को हाफ करते तो हुए और एक मार्किंग कर दूंगी मैंने जितना कटोरी लिया था कटोरी को हाफ करते तो हुए और एक मार्किंग कर दिया है और उसी मार्किंग का लंबाई लिया है मैंने टू पॉइंट फाइव इंच और साइड से ले लूँगी थ्री इंच यह साइड से भी थ्री इंच और ये साइड से भी मैं थ्री इंच ले लूँगी उसके बाद जो कटोरी है कटोरी के शेप दे दूँगी मतलब इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है अभी बेल्ट का शेप देने के लिए हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है अभी उसी मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी तो देखो मिलाना हो गया है और शोल्डर को भी आर्म होल की साइड में हाफ इंच डाउन करते हुए मैंने मार्किंग कर लिया है तो मैं अभी कटिंग कर लूँगी एक एक पार्ट को जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है उसी के किनारे किनारे पे मैं कटिंग करी हूँ और मैं अभी शोल्डर को जो मैंने हाफ इंच डाउन किया था आर्म होल की साइड में वो अभी मैंने कटिंग नहीं किया है लेकिन जब सिलाई करूँगी सिलाई करते टाइम हाफ इंच डाउन करते हुए सिलाई कर लूँगी आर्मोल की साइड में आप लोग जब भी बोट नेक कॉलर नेक ब्लाउज सिलाई करेंगे तो जो शोल्डर है शोल्डर को आर्म होल की साइड में हाफ इंच डाउन करते सिलाई करना तो फिटिंग्स अच्छी आती है और ताल पाट जरूर कटिंग करना तो जिस तरह से मैंने मार्किंग किया था उसी के किनारे किनारे पे मैं कटिंग कर रही हूँ तो देखो ये दोनों पार्ट हो गए हैं अभी सिर्फ कटोरी के पार्ट को ही बड़ा करना है तो कटोरी को मैंने मिडिल में काट कर लिया क्योंकि ये डबल कटोरी है अभी ये जो फर्स्ट कटोरी है फर्स्ट कटोरी को बड़ा कर लूंगी तो कटोरी के पार्ट को मैंने इस तरह से पेपर के ऊपर बैठाया है और चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है अभी उसको बड़ा कर लूँगी कटोरी को तो साइड से मैंने एक इंच एक इंच ले लूँगी ये साइड से एक इंच और ये साइड से भी मैं एक इंच ले लूँगी और ऊपर की साइड से मैं हाफ इंच हाफ इंच ले लूँगी इस तरह से ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच हाफ इंच ले लिया सिलाई मार्जिन के लिए तो अभी उसको इस तरह से मिला दिया है और जो कटोरी है कटोरी का मैंने इस तरह से घुलाई का शेप दे दिया है और नीचे की साइड से भी मैं एक इंच बड़ा कर लूंगी और जहां जहां मैंने एक इंच बड़ा किया है आप लोग चाहे तो कटोरी को और भी बड़ा चाहे तो डेढ़ इंच बड़ा कर सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और फिर से नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच हाफ इंच बड़ा कर लिया है और जो नॉर्मल कटोरी होता है कटोरी का शेप दे दिया है तो देखो कटोरी का शेप देना हो गया है अभी कटोरी को भी काट कर लूंगी और ये है फर्स्ट कटोरी फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेते तो हुए सेकेंड कटोरी भी मैं कटिंग करूँगी और आप लोग अच्छी तरह से कटोरी को कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो कटोरी है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि कटोरी छोटा पड़ जाती है तो मैं जैसे आप लोगों को दिखाया है बड़ा करना आप लोग वैसे बड़ा करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा तो देखो फर्स्ट कटोरी से मैंने मेजरमेंट लिया है तो आया है सेवन पॉइंट सेवन इंच तो सेकेंड कटोरी के लिए मैंने लं... मतलब चौड़ाई में लिया है सेवन पॉइंट सेवन इंच और लंबाई में लिया है फोर इंच इस तरह से मैंने फोर इंच लिया है अभी उसको इस तरह से एक बॉक्स की तरह बना लूँगी और जितना मैंने आ, फोर इंच लिया था मतलब लंबाई लिया था उससे एक इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है दोनों साइडों में मैंने एक इंच नीचे मार्किंग किया है और नीचे की साइड से मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट और ये जो फर्स्ट कटोरी है फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है और उसका शेप दे दिया है और इसी तरह से शेप देने से जो कटोरी होता है ना उसका शेप बहुत ही अच्छी आती है और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है आप लोग नहीं दिखे तो जाकर जरूर देखिएगा और कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और जो लोग लो मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना अभी मैं स्लीप कटिंग करूंगी तो स्लिप के लिए जो बैक पार्ट है बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है तो आया है नाइन पॉइंट फाइव इंच तो पेपर को मैंने इस तरह से टू फोल्ड किया है आप लोग फेब्रिक में कटिंग करेंगे तो फोर फोल्ड करके कटिंग करना और स्लिप का चौड़ाई में लिया था 9.5 इंच और स्लिप का लंबाई लिया है मैंने 6.5 इंच और जितना मैंने लंबाई लिया है उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है अभी उसी मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है जहां मैंने 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया यह साइड से मैंने 2 इंच ले लिया है एक मार्किंग किया है टू इंच पर और यह साइड से मैंने ऊपर की साइड से मैंने वन इंच पर और एक मार्किंग कर दिया है अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है और जो स्लीप होता है स्लीप का गुलाई का शेप दे दिया है और यह है स्लीप कटिंग करने का सबसे आसान तरीका और मुहरी लिया है मैंने सिक्स इंच एक्स्ट्रा ले लिया मैंने टू इंच आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा डेढ़ इंच भी ले सकती है तो देखो मेरा यह स्लीप मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है अभी इसको कटिंग कर लूंगी जिस तरह से मैंने मार्किंग है, की है उसी के किनारे किनारे पे कटिंग करी हूँ और स्लीप को फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए भी इस तरह से कटिंग कर लेना है तो स्लीप काटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं ये आप लोग देख सकते हो कितना आसान तरीके से और ये है एक एक पार्ट और ये है थर्टी सिक्स साइज का तो मैंने लिख भी दिया है क्योंकि मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि थर्टी सिक्स साइज का फार्मा कटिंग देने के लिए हाई नेक पे तो उसी दीदी के लिए मैंने इस तरह से कटिंग किया है आप लोगों को भी फार्मा चाहिए या कटिंग करने में दिक्कत आती है तो फार्मा ऑर्डर कर सकते हो और फार्मा कैसे ऑर्डर करे उसका भी फुल डिटेल से मैंने वीडियो बनाया है आप लोग जाके जरूर देखेगा सो बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग